दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और अगर आप नहीं रहना चाहते पीछे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हर नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएँ और रह पाएँ अप टू डेट। तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट में लैपटॉप लेने जाते हैं, हमें नहीं पता होता डिफरेंस क्या है HDD और SSD में, कौन सा बेहतर है और हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में यही जान लेते हैं कि HDD और SSD में क्या डिफरेंसेस हैं और हमारे ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा रहेगा एक बेस्ट चॉइस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप, आप देख रहे हैं बिग ब्रदर टॉकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं HDD और SSD में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये बेसिकली दोनों किस तरह से काम करते हैं। तो जो HDD होता है वो बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क होते हैं उसमें एक बहुत ही तेज़ी से मूव करने वाला एक डिस्क होता है जो कि 5400 रोटेशंस पर मिनट या फिर 7200 रोटेशंस पर मिनट में वो घूमता है और उसके ऊपर एक रीड एंड राइट करने वाला एक हेड होता है जो कि मैग्नेटिकली डेटा को उसके ऊपर स्टोर करता है या फिर मैग्नेटिकली स्टोर्ड डेटा को वहाँ से रिट्रीव करता है। आप एक हार्ड डिस्क को एक ग्रामाफोन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के ग्रामाफोन की तरफ देखें, उसमें भी एक ब्लैक कलर का डिस्क होता है जिसके जो कि बहुत धीरे धीरे घूमता है और उसके ऊपर एक हेड होता है जो कि मैग्नेटिकली स्टोर्ड सॉन्ग को वहाँ से रीड करता है और एक बड़ा सारा भोपू टाइप का होता है जिसमें से सॉन्ग एम्पलीफाई होके आपको सुनाई देता है। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क भी बिल्कुल एक ग्रामाफोन टाइप का ही एक डिवाइस होता है, लेकिन इसकी जो डिस्क है वो बहुत तेज़ी से घूमती है, जो कि मैंने बताया 5400 या फिर 7200 RPM की स्पीड से वो डिस्क घूमती है और उसके ऊपर जो हेड होता है वो बहुत ही स्पीड से उस मैग्नेटिकली स्टोर्ड डेटा को जो कि डिस्क के ऊपर स्टोर्ड है उसको वो रीड या फिर राइट करता है। लेकिन दोस्तों, SSD काफ़ी डिफरेंट होता है, जो कि एक प्रॉपर प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ऊपर मेमोरी चिप्स लगे होते हैं और मेमोरी चिप्स की ग्रिड बनी होती हैं और उन्हीं मेमोरी चिप्स में जो है डेटा स्टोर होता है और कंप्यूटर उन्हीं मेमोरी चिप्स में से जो है डेटा को रिट्रीव करता है। तो आपके लैपटॉप को या कंप्यूटर को अगर कोई डेटा चाहिए होता है तो वो कमांड देता है उस चिप में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए और उस चिप में से डेटा रिट्रीव होके इमीडिएटली आपके जो है स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो जब भी आपके कंप्यूटर को कोई डेटा की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो डेटा आपके कंप्यूटर को HDD से उठानी है तो आपके HDD को पहले एक बहुत स्पीड में घूमना पड़ेगा, उस हेड को जो है डेटा रीड करना पड़ेगा और फिर वो डेटा आपके जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब HDD और SSD में कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर हम पॉइंट नंबर 1 देखें तो HDD में काफ़ी मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसीलिए उसकी पावर कंजम्पशन SSD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते इसलिए उसकी पावर कंजम्पशन कम है, इसलिए अगर आपके लैपटॉप में SSD लगा है तो आपका जो बैटरी का बैकअप है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा। दोस्तों, अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, HDD में काफ़ी मूविंग पार्ट्स होते हैं और किसी भी डिवाइस में जितने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो HDD में क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स होते हैं तो आपके हाथ से अगर बाई चांस लैपटॉप गिर जाता है तो आपकी HDD के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में लगी है एक SSD तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ये सिंपल एक मेमोरी चिप होती है। तो दोस्तों, अगर हम पॉइंट नंबर 3 देखें तो HDD जो है वो SSD से काफ़ी स्लो होती है क्योंकि उसमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, लेकिन SSD में कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट नहीं होते, वो सिंपल एक मेमोरी चिप होती है, इसलिए SSD बहुत फास्ट होती है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो एक मूवी अगर आप कॉपी कर रहे हैं एक HDD के अंदर, तो मूवी की कॉपी की जो स्पीड है वो मैक्स से मैक्स आपकी हो सकती है करीब 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड, लेकिन यही मूवी अगर आप SSD के अंदर कॉपी कर रहे हैं तो इसकी स्पीड चली जाती है करीब 3000 से 3500 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो दोस्तों, अगर हम देखें पॉइंट नंबर 4, वो भी स्पीड से ही रिलेटेड है। आपके जब लैपटॉप स्टार्ट होता है तो जो लैपटॉप की बूटिंग का जो टाइम है वो बहुत कम होता है,
इन केस ऑफ SSD, आपके HDD के केस में आपका लैपटॉप जो है बूट होने में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि आपका विंडो जो है वो HDD में स्टोर होता है और वहाँ से डेटा रिट्रीव करना काफ़ी स्लो होता है, लेकिन SSD में से डेटा को रिट्रीव करना बहुत आसान होता है, इसीलिए आपका लैपटॉप जो है जल्दी से बूट होके जल्दी से रेडी हो जाता है आपके यूज़ के लिए। सिर्फ विंडोज़ ही नहीं बल्कि और भी जो एप्लीकेशन हैं जो आपकी SSD में स्टोर्ड हैं वो इमीडिएटली वहाँ से आपका लैपटॉप रिट्रीव कर पाता है और उन सब एप्लीकेशन को वो जल्दी से चला पाता है। तो दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है गेमिंग से रिलेटेड। तो अगर आप एक बहुत ही गेमिंग फ्रीक हैं, आप गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो आपकी फर्स्ट चॉइस SSD होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आजकल के जो गेम्स हैं वो बहुत हैवी हैं और वो लोड होने में भी टाइम लगाते हैं, तो अगर आपकी गेम एक SSD पे स्टोर्ड है तो वो जल्दी से लोड भी होगी, उसके सब कैरेक्टर्स भी जल्दी से लोड होंगे, सब सीन्स जल्दी से लोड होंगे, और जब आप गेम खेलेंगे तो आपके गेम में कोई लैग नहीं आएगा क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो जल्दी से सब डेटा को आपके SSD से रिट्रीव करके आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर पाएगा। तो दोस्तों हमें HDD प्रेफर करना चाहिए या फिर SSD, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि HDD जो है SSD के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है। जब भी आप 1 TB का HDD लेंगे तो आपको 35,000 से 40,000 तक के लैपटॉप्स में वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 1 TB का SSD लेने जाएंगे तो आपकी लैपटॉप्स की कीमत करीब 75,000 से ऊपर चली जाती है। इसलिए दोस्तों एक हाइब्रिड विकल्प भी आता है जहां लैपटॉप करीब 45,000 से 55,000 के बीच में मिल जाते हैं और जिसमें एक पार्ट होता है SSD और एक पार्ट होता है HDD। जो आपकी मेन सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, वो SSD में स्टोर्ड होते हैं, और जो आपके बाकी के डेटा है जो कि आपका बहुत फास्ट रिट्रीवल की ज़रूरत नहीं है, वो आपका HDD में स्टोर होता है। तो दोस्तों आपको अपने लिए क्या चूज़ करना चाहिए? अगर आप बहुत हार्डकोर गेमर हैं तो आपको HDD बिल्कुल नहीं चूज़ करना चाहिए, आपको जाना चाहिए SSD के साथ। आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लीजिए, SSD थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आपको SSD ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप HDD लेंगे तो आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए HDD एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है और ये इसकी जो स्पीड है ये डिसेंट है। आप अगर हार्डकोर गेमर नहीं हैं तो आपके लिए एक HDD जो है एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पता चल चुका होगा कि HDD और SSD में कौन सा बेटर है, दोनों किस तरह से काम करते हैं और आपको कौन सा विकल्प चूज़ करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप रहें अप टू डेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।